ओके okay, जैसा को पता होगा कि रेप क्या होता है रेप होता है किसी को मजबूरी मजबूर करके उनको किसी सेक्सुअल एक्ट मजबूर करके उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करना है. मेल फीमेल का रेप तो आपको पता होगा कि किस तरह कि होता है मेल फीमेल को किस तरह रेप करता है ऑब्वियसली मेल ज़्यादा डोमिनेट होता है मेल हैज़ ब्रूथ स्ट्रेंथ ठीक है ज़्यादा ताकतवर होता है लड़ने की का ज़्यादा काबिल होता है ज़्यादा उसके अंदर ताकत होती है हम उसका ज़्यादा भरा होता है खौफना किस्म का होता है औ, औरत का नहीं इतना होता औरत का कमज़ोर जिसम होता है बेशक औरत के अंदर पेन की बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह सकती है इसलिए वो बच्चा भी पैदा करती है वो लेबर में जाती है डिलीवरी करते वक्त उनको सारी पेन जो बर्दाश्त करती है उसमें उनकी अल्लाह ताली ने उनको ज़्यादा फिज़िकल पेन बर्दाश्त करने की हिम्मत दी है लेकिन जो मर्द होते हैं उनका किस तरह रेप होता है लेकिन पहली बात तो ये मर्द मर्द का भी करता है ठीक है तोबा अस्तखरल जो कि होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आया था ठीक है और दूसरी चीज़ औरत भी मर्द का करती होती है ठीक है अब इसमें औरत किस तरह कर सकती है फ़र्ज करें कि आप कोई छोटे टीन हैं ठीक है थीके? और एक औरत है, कोई मिडिल फ़र्श करने कोई भरी औरत है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब सेहतमंद औरत है तो वो चाहे आपको फिज़िकली अब्यूज़ कर सकती है उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जिसके अंदर प्यूबर्टी से आप गुजर रहे हैं आपको कुछ पता नहीं होता और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उस आपके जिसम के साथ क्या हो रहा है तो औरत काफ़ी ज़्यादा अपने इस तरह मजबूर करके बच्चे को उनको जब बंदा इस तरीके से, से मैंटली में नहीं होता उनका फ़ायदा उठा के उनके साथ जाती कर देती है ठीक है बच्चों के साथ बेशक उनको कोई इस तरह कोई फिज़िकली कोई पेन नहीं होती लेकिन उनके साथ ही ट्रॉमा ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम चल चलता रह, रहता है और कुछ लोग जो बच जो लड़के होते हैं इस उम्र में टीन में एडलिन के साथ इस तरह हुआ होता है चाहे वो मर्द करे या चाहे वो फ़ीमेल करे तो वो पूरी ज़िंदगी औरतों से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है उनकी ज़िंदगी औरतों की बहुत खौफनाक एहेज पैदा हो जाती है इसकी वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी वो सेपरेट रहना चाहते हैं अकेले रहना चाहते हैं या फिर वो अस्तखरल होमोशोशलिटी की तरफ चले जाते हैं सो डैट्स बेसिकली वट इट इज या फिर एक और भी चीज़ होती होती है कि जब उनको पता होता है कि बचपन में मार्शा भी जाती हुई होती है भरे होकर वो पीडोफाइल्स बन जाते हैं ये साइकोलॉजिकली प्रोवेंट चीज़ है तो ये एक बहुत गंदी चीज़ है बच्चे के साथ कोई ज़्यादा होती है ना तो तब उसके फ्यूचर था वाक्य होते हैं क्योंकि चांसेस हैं कि वो भी वही चीज़ बन जाएगा जो उसके साथ की की है ठीक है वो भी बेटोफाल बन सकता है मोस्टली जितने भी बेटोफाल हैं ना काफ़ी हाई परसेंटेज वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके साथ ही बचपन में जाति की गई थी ठीक है तो इट्स अ साइकिल एंड इट कीप्स रिपीटिंग इट्सल्फ तो औरत मर्द का भी करती है और एक दूसरा भी तरीके इस तरह औरत मर्द का करती है और वो है कि औरत होती है वो मर्द को सड्यूस करके उसके साथ सोती है ठीक है और मर्द होता है गिल्टी फील करता है और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता इन प्रोसेस मतलब करते वक्त कह देते नहीं कर सकता फिर और कहती है कि तुम करोगे वरना मैं चलाऊँगी मैं ये करूंगी सोसाइटी से मेरा साइड देगी और मैं जिट जाऊंगी तुम जेल के भाड लेगी फिर मर्द इस चीज़ का डर के सोसाइटी के डर से आके उसके उसका कर लेता है और वो ब्लैकमेल होता रहता है होता रहता है होता रहता है ठीक है एंड वो उसको छुट छुटका भी नहीं सकता उसको क्योंकि वो उसको इमोशनली ब्लैक इमोशनली नहीं बल्कि ब्लैक मेल सही सॉलिड ब्लैक मेल कै रही होती है असल वाला कि अगर वो इस तरह करेगी तो सोसाइटी में जाकर शोर में जाएगी कि मर्द ने उसके साथ ज़्यादाती की है हालाँकि मर्द तो अनबिलिंग होगा वो तो चाहता भी नहीं होगा और वो फिर भी इस तरह ज़्यादी करती आ रही होगी करती आ रही होगी हालांकि लस्ट उसके अंदर से आ रही है देखिए लस्ट हवस जो भी होती है वो हर चीज़ के अंदर पाई जाती है ठीक है इंसान अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सीधे डाल लिया कि हम ब्रीड करते वक्त हमें यानी हमें सेक्शुअल इंटरकोर्स करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो ठीक है हम चाहें कि हम रिप्रोड्यूस करें और हमारे बच्चे वगैरह इस तरह और इस तरह हमारी जनरेशन आगे चलती रहे ठीक है तो ये भी इस, तर, इस तरह होता है कि औरत मर्द का रेप कर सकती है मर्द मर्द का रेप करता है तो मर्द का भी रेप होता है दिस बेसिकली इज बेसिकली टू गिव अवेयरनेस कि मर्द हम मर्द बी सफ़र करते हैं इट्स नॉट ओनली वूमेन मर्द भी सफर करते हैं मर्द मेल पीपल आर और स्पेशली जो टीन होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं छोटे लड़के होते हैं छोटे टीनीजर लड़के होते हैं इसके अलावा जो बेसिकली uh, यंग होते हैं इनको समझ इतनी नहीं होती उनका भी रेप होता है इस तरह बाकीियों का भी उससे 20 साल की उम्र के लोगों का भी रेप होता होता है ठीक है और वो मर्द औरत दोनों कर सकते हैं यानी मर्द का औरत मर्द भी कर सकता है और औरत का भी और औरत का भी मर्द औरत कर सकती है ठीक है रेप कोई भी किसी का कभी भी कर सकता है ठीक है सिर्फ़ एक साइड का फीमेल साइड का रेप नहीं होता सो so गैस ये बेसिकली वीडियोस का यही मकसद था कि आपको एक किस्म की अवेयरनेस दी जाए कि होता क्यों है किस तरह होता है मर्द फीमेल किस तरह करती है मर्द का और मर्द का कैसे किस तरह रेप होता होता है सो गाइज़ दिस वॉज बेसिकली इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको मोर वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और मैं इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिस तरह मैं पहले बनाते आया हूँ आप वो भी चेक कर सकते हैं और मैं और बनाता रहूँ